भजन संहिता अध्याय 19। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा है जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की शोर तक पहुंच गए हैं। उनमें से सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती हैं। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को डिढ़ाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले।